गुड मॉर्निंग बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू थर्ड पार्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ। बच्चों फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में आपने ग्राफ के कॉन्सेप्ट में सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल बातों को सीखा था। आज उन्हीं थ्योरी को यूज करना है और यूज करके क्वेश्चंस बनाना सीखना है, ठीक है। तो आज मैं जो आपको सेशन कराने वाला हूं वो बेसिकली क्वेश्चन पे बेस्ड है कि ग्राफिकल क्वेश्चन हमारे पॉलीनोमियल पे बेस्ड या फिर हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड किस तरीके के आ सकते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। और आज के क्वेश्चन आपके कल के प्राइज क्वेश्चन में बनाने में आपको हिंट देगा, ठीक है। कल एक बच्चे ने बहुत ट्राई किया बट उसकी आंसर सही नहीं आई, ना ही उसके एक्सप्लेनेशन सही थे। सो ट्राई करते रहो, कीप ट्राइंग। जब हार जाना तो बोलना, फिर मैं बता दूंगा, ओके। चलो आ जाओ, नेक्स्ट आते हैं। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे प्रिय बालक, वो है द ग्राफ। समझना ध्यान से, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, आर गिवन बिलो। आर एक नहीं है, आर लगा है इसका मतलब ज्यादा है, आर गिवन बिलो। तो हम लोग एक एक करके डील करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द साइन ऑफ ए कॉमा बी एंड सी। आपको ग्राफ के अंदर ए बी और सी के साइन को आइडेंटिफाई करना है कि हाँ आपके ए का साइन क्या होगा, बी का साइन क्या होगा और सी का साइन क्या होने वाला है, ये चीज आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ऐसे तो ढेर सारा ग्राफ एक ही बार में दे दिया है और फिर उसको बोल रहा है कि आप एक एक करके आइडेंटिफाई करो। हम लोग एक एक ग्राफ को उठाएंगे और आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, ठीक है। तो आज बच्चों सबसे पहला ग्राफ हम लोग अपना उठाते हैं। सबसे पहला ग्राफ आपका क्या है, ये आहा ठीक है, ये ग्राफ है आपका, ठीक। अब देखो ग्राफ क्या दे रखा है इसने, ये वाला ग्राफ दे रखा है ऐसे, ठीक है। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा एक्स डैश है, ये मेरी वाई है, ये मेरा वाई डैश है, ये एरो ऊपर जा रहा है और दो जगहों पे इसने काट रखा है। आपको पता है ये दोनों जगह रूट होगा अल्फा और बीटा। अब आपको ये बताना है, आपको एकदम आराम से सोच के समझ के बताना है कि आखिर जो मेरा ए है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, बी है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, सी है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, इसके बारे में पता लगाना है, ठीक है। तो आइए जरा पता लगाते, समझना मेरी बात को। सर सबसे पहले तो ग्राफ को देख के हमने एक कंक्लूजन निकाला कि मेरा जो ग्राफ है वो पाराबोला अपवर्ड है। कैसा है मेरे बच्चों, पाराबोला अपवर्ड, कनकेव अपवर्ड। तो ये तभी हो सकता है जब मेरे ए का वैल्यू जीरो से बड़ा हो। तो एक कंक्लूजन तो हमको निकल गया, ए जीरो से बड़ा। तो ये तो देखते पता चल जाएगा कि ए का साइन कैसा है। अगर ग्राफ नीचे की तरफ खुला हुआ है तो नेगेटिव, और अगर ऊपर की तरफ खुला हुआ है तो पॉजिटिव। तो एक चीज तो फिक्स हो गया कि ए कैसा है, जीरो से बड़ा, इसमें कहीं आपको दिक्कत नहीं है। अब आता है हमारे पास हमारी दूसरी बात। हमारी दूसरी बात क्या कहती है सर, सेकंड पॉइंट देखो। सर ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को दो जगहों पे काट रहा है, तो इसका मतलब है कि मेरा डिस्क्रिमिनेंट है वो भी जीरो से बड़ा होगा। डिस्क्रिमिनेंट भी कैसा होगा, जीरो से बड़ा होगा, ये भी मैंने देख लिया। तीसरी बात सर, अल्फा और बीटा जो है एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो हम यहां लिख सकते हैं तीसरे नंबर पे कि अल्फा नेगेटिव है और बीटा पॉजिटिव है। नहीं नहीं लिख सकते हो, तो हम कहने का मेरा मतलब ये है कि हम यहां पे चाहें तो लिख सकते हैं अल्फा एंड बीटा हैव अपोजिट साइन। इनका साइन कैसा है, अपोजिट है। एक पॉजिटिव है तो आपका दूसरा नेगेटिव है। ये इतनी बातें हमने कंक्लूड कर ली, ठीक। अब तीन बातों के कंक्लूजन पे हम बी और सी के बारे में पता लगाएंगे, ठीक है। चलो अब बड़े ध्यान से देखना मेरे बच्चों, ए तो पता चल गया पॉजिटिव है। अब अगर हम अल्फा को बीटा से गुना करते हैं तो मिलता है सी बाई ए, मिलता है ना। अच्छा देखो, अल्फा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव, तो नेगेटिव का
पॉजिटिव के साथ प्रोडक्ट करिएगा तो आपको कैसा संख्या मिलेगा, नेगेटिव। यानी LHS के तरफ तो नेगेटिव हो गया। अच्छा, C को C रहने दो, आपको पता है कि A कैसा है, पॉजिटिव है, तो A को यहां पॉजिटिव लिख दो। अब इस पॉजिटिव को इधर ले आओ, तो पहले से कोई नेगेटिव संख्या था उसमें पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किए तो सी के बराबर आया। तो सी कैसा हो गया, पॉजिटिव गुने नेगेटिव, यानी सी का साइन कैसा हो गया, नेगेटिव। तो ए जीरो से बड़ा और सी जीरो से छोटा, इतना बात फिक्स। यानी सर हम ए का साइन पता लगा लिए और सी का साइन पता लगा लिए, अब किसका पता लगाना है, बी का। अब किसका पता लगाना है बच्चों, बी का। चलो आओ बी का पता लगाते हैं, ये भी बड़ी मजेदार बात है। सर बी के पता लगाने के लिए क्या करें, तो डिस्क्रिमिनेंट का हेल्प लो। डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा है मेरे प्यारे बच्चों, जीरो से क्या है, बड़ा है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी किससे बड़ा है, जीरो से बड़ा हो गया। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से बड़ा यानी पॉजिटिव है। आपको पता है कि ए बी को तो रहने दो, बी कैसा भी रहेगा, बी का स्क्वायर रहने दो फोर, ए आपका कैसा है बताओ, पॉजिटिव है, ए आपका पॉजिटिव है, और सी कैसा है आपका बताओ, नेगेटिव है, और ये आपका जीरो से बड़ा आना चाहिए। तो ये नेगेटिव मिलके बी स्क्वायर में चार गुना पॉजिटिव को जोड़ दिए। तो किसी पॉजिटिव में पॉजिटिव को जोड़ोगे तो जीरो से बड़ा ही आएगा, वो जीरो छोटा होने वाला है नहीं। तो बी के बारे में तो कुछ पता ही नहीं चल पाया, बी के बारे में हम कुछ भी पता नहीं लगा पाए कि बी पता नहीं पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है कि बी क्या है। क्लियर हो रहा है क्या बी के बारे में, तो क्या डिस्क्रिमिनेंट का यूज करके हम बी के बारे में पता लगा पाए, नहीं। तो हमेशा याद रखना कि अगर आपको ए पता लगाना है तब तो पाराबोला का साइज बता देगा, अगर आपको सी पता लगाना है तो अल्फा इंटू बीटा से पता चल जाएगा, लेकिन अगर आपको बी पता लगाना है तो इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट का प्रयोग एकदम मत करिएगा, एकदम ही डिस्क्रिमिनेंट का प्रयोग मत करिएगा। अगर आपने डिस्क्रिमिनेंट का प्रयोग किया आप कुछ कंक्लूड नहीं कर पाओगे। यहां से कुछ कंक्लूजन निकल रहा है, पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़े पॉजिटिव ही होगा, बी चाहे कुछ भी रहे, नहीं निकल पा रहा है एकदम परसेंटेज वाइज कुछ कल तो नहीं निकल पा रहा है। लेकिन अब देखो मजेदार बात, अगर हम कहें कि अल्फा प्लस बीटा देखते हैं क्या होगा, क्या होगा, माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा नेगेटिव है आप बीटा पॉजिटिव है। किसी पॉजिटिव को नेगेटिव में जोड़ोगे तो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, यहां से भी कंक्लूजन नहीं निकल पाया। तो ये भी तरीका नहीं है कंक्लूजन निकालने का, तो अब क्या तरीका है, तो सुनो ध्यान से, इसीलिए इस क्वेश्चन को बताया गया है कि कभी भी अगर बी का साइन पता लगाना है तो बी के साइन को पता लगाने का सबसे बेस्ट तरीका यहां वाला पॉइंट पता करो। ये पॉइंट इस ग्राफ में मिनिमम है, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, यहां का जो कोऑर्डिनेट है वो इस ग्राफ का मिनिमम कोऑर्डिनेट है, सबसे कम वाला कोऑर्डिनेट है। यहां पे y का वैल्यू सबसे कम है, कहीं पे भी देख लो यहां पे y का वैल्यू जीरो है, लेकिन ये तो जीरो से भी नीचे चला गया ना, एकदम नीचे चला गया। तो इस जगह पे ये वाले पॉइंट को आपको पता लगाना है कि ये कहां है, ठीक है। अच्छा एक और चीज तुमको दिखाते हैं, अगर हम बोले कि यहां का x कोऑर्डिनेट कितना, जीरो, x कोऑर्डिनेट कितना यहां का, जीरो। जैसे यहां जीरो रखोगे तुमको c नीचे चला हुआ मिल गया, यानी c कैसा मिल गया, नेगेटिव। और ऐसे भी तुम्हारा c कैसा आया है, नेगेटिव आया है, ये भी एक तरीका होता है। लेकिन हमें b पता लगाना है, तो याद रखना कि यहां का जो कोऑर्डिनेट होता है मेरे प्यारे बच्चों इस पॉइंट का, उसको निकालने का एक तरीका होता है, और वो क्या तरीका हम समझाते हैं, पहले इसको पूरा इतना उतार लो, ठीक है, जल्दी से उतार लो। चलो तो आपने ए निकाल लिया है और सी निकाल लिया है, हमें बी का साइन पता लगा, देखो लॉजिकल अप्रोच है बच्चे, ये बहुत लॉजिकल अप्रोच है, ठीक है। तो हमको बी का साइन पता लगाना है, अब उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो सर आपने क्या बताया, बी के साइन के लिए आपने बताया कि हमको यहां का पॉइंट पता होना चाहिए कि यहां पे क्या है। तो असल में ये मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिनिमा है, क्या है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिनिमा। यानी अगर मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका मिनिमा हमको मिलता है एक्स बराबर किस चीज पे,
पे मिलेगा मिनिमा मेरे को x बराबर माइनस बी बाई टू ए पे। तो यहां का जो x कोऑर्डिनेट है मेरे प्यारे बच्चों वो है माइनस बी बाई टू ए, है ना। और अब इस x कोऑर्डिनेट को इसमें रख देंगे तो हमको y मिल जाएगा। y क्या मिलेगा, माइनस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू माइनस बी बाई टू ए प्लस सी, है ना। इसको सॉल्व करो तो हो गया तुम्हारा a इंटू बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई टू ए प्लस सी बाई वन। अगर देखा जाए तो a एक कट जाएगा आपका 4a एलसीएम, तो b स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी, तो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी बाई फोर ए, जिसको कहा जा सकता है माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई फोर ए, यानी माइनस डी बाई फोर ए। तो यहाँ पे एक इसका कोऑर्डिनेट आता है माइनस डी बाई फोर ए। तो अब हमेशा याद रखना कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ऊपर की तरफ है, उसका ग्राफ पैराबोला अपवर्ड है, तो उसका मिनिमम पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई टू ए होता है और वाई कोऑर्डिनेट माइनस डी बाई फोर ए होता है। इसको निकालने का तरीका होता है, मैक्सिमम मिनिमा कहते हैं इसको। आप आगे पढ़ेंगे जब आप इलेवेंथ क्लास वगैरह में जाएंगे तो आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें बताई जाएंगी। तो सोचो कि अगर इसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई टू ए है और ये किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, यानी माइनस बी बाई टू ए पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अच्छा चलो माइनस बी ठीक है, टू ठीक है, a पहले से पॉजिटिव है, है ना। तो माइनस बी ये उधर चला गया, तो जीरो को अगर हम किसी पॉजिटिव संख्या से गुना कर दें तो ये साइन नहीं बदलेगा। पॉजिटिव संख्या से गुना करने पर साइन नहीं बदलता, यानी माइनस बी जीरो से बड़ा हो गया। क्या हो गया बताओ, माइनस बी जीरो से बड़ा। अब इधर दोनों तरफ अगर हमको तो बी पता लगाना है ना, माइनस बी थोड़ी, तो दोनों तरफ माइनस से गुना करेंगे मेरे बच्चों, तो साइन पलट जाएगा, यानी बी कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। तो यहां ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव और सी भी कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। आया बात समझ में। अब लग रहा होगा कि बाप रे बाप, ये जो ग्राफ है ये तो बड़ी दिमाग खराब करने वाला है। एकदम नहीं खराब करेगा, अगर ऑनेस्टली पढ़ोगे ना, ध्यान से देखोगे तो ये कॉन्सेप्ट आपका दिमाग नहीं खराब करेगा, बिकॉज लॉजिकल अप्रोच है। अब तुमको आदत है आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बना के खुश हो जाने का, तो खुश होते रहो तुम बना के, तुम उसको बना सकते हो। लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल बातें करना चाहते हो तो मेरे साथ जुड़े रहो, बहुत फायदा होने वाला है। समझ रहे हो बात को, तो चलो इस क्वेश्चन को पहले उतारो, हम और कुछ क्वेश्चंस इस पे करते हैं, तब जाके कॉन्सेप्ट और बिल्टअप होगा। और इसके बाद वाले क्वेश्चन को थोड़ा हम और स्लो स्लो बताते हैं, हो सकता है आज दो ही क्वेश्चन कर पाए, आज तीन ही क्वेश्चन कर पाए, लेकिन एकदम बढ़िया से करके जाना है, ठीक है। समझ रहे हो ना बात को, आई होप आप समझ रहे हैं, इसको उतार लीजिए पहले। चलिए चलो एक दूसरा क्वेश्चन, हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा सा, है ना। अगर हम आपसे पूछते हैं ऐसा, ठीक है, और ग्राफ ऐसा बना हुआ है, ठीक है, ऐसा ग्राफ बना है, इसमें यहां पे मान लो आपका अल्फा है और यहां पे आपका बीटा है, ठीक है। अब इसमें आपको पता लगाना है कि आपका ए का साइन क्या है, बी का साइन क्या है और सी का साइन क्या है, ठीक। चलो एकदम धीरे धीरे देखो, ध्यान ध्यान से। सर ग्राफ को देख के पता चल गया कि ग्राफ मेरा कैसा है, पैराबोला कनकेव अपवर्ड, ऊपर की तरफ है। तो अगर मेरा ग्राफ ऊपर की तरफ मुंह खोलता है तब तो फिक्स है कि ए जीरो से बड़ा होगा। सबसे आसान तरीका ए को पता लगाने का है कि ग्राफ को देखो, ऊपर खुला है तो जीरो से बड़ा, नीचे खुला है तो जीरो से छोटा। ऊपर खुलने का मतलब अप्पू है तो पॉजिटिव, नीचे खुला है चप्पू है तो नेगेटिव, है ना। तो ए जीरो से बड़ा हो जाएगा, ये तो फिक्स है। चलिए दोनों के दोनों रूट्स देखो कैसे हैं, नेगेटिव है, तो दोनों रूट्स को अगर हम गुना करते हैं अल्फा इंटू बीटा तो हमको मिलता है सी बाई ए, फिक्स है।
अब तुम खुद सोचो, सी बाई ए मिला। अल्फा के जगह ध्यान से देखो बच्चों, अल्फा आपका कैसा रूट है? नेगेटिव, तो अल्फा एक नेगेटिव संख्या है, ठीक है। बीटा कैसा संख्या है? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव है? बिकॉज वाई एक्सिस से इस तरफ है, ये मेरा जीरो है, तो वाई एक्सिस से इधर तो नेगेटिव ही तो होगा, तो अल्फा भी नेगेटिव, बीटा भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, और ये किसके बराबर? सी। और ए कैसा है मेरे प्यारे बच्चों? पॉजिटिव, तो इसको लिख दो पॉजिटिव। अब आप बताओ, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा, मिलेगा ना। और इधर क्या है बताओ? सी अपॉन कोई ना कोई पॉजिटिव संख्या। ये पॉजिटिव जब इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव गुने पॉजिटिव क्या हो जाएगा? सी। यानी सी कैसा संख्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यानी ए नेगेटिव और मेरा सी कैसा हो गया? पॉजिटिव। बोलो क्लैरिटी है। अब हमको बी के बारे में पता लगाना है, तो बी ना तो डिस्क्रिमिनेंट से पता लगा पाएंगे और ना ही हम अल्फा प्लस बीटा से पता लगाएंगे। बी को पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका यहां का एक्स कोऑर्डिनेट, वो क्या है? माइनस बी बाई टू ए, है ना। तो अगर यहां का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई टू ए, बताओ ये किस क्वाड्रेंट में है? ये पॉइंट थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे प्यारे बच्चों एक्स नेगेटिव होता है, होता है कि नहीं होता है? होता है नेक्स्ट नेगेटिव। तो अगर ये एक्स नेगेटिव है तो 100% बात कि माइनस बी बाई टू ए भी नेगेटिव होगा। अब माइनस को रहने दो, बी को भी रहने दो, टू ए एक पॉजिटिव संख्या है कि नहीं है? एकदम है। अब अगर हम आपसे पूछें कि इस पॉजिटिव को इधर ले जाके गुना कर दे, तो पॉजिटिव से गुना भाग करने से साइन बदलता है? ये साइन बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो हमारा माइनस बी जीरो से कम रहेगा। लेकिन अब हमको बी के बारे में पता लगाना है, माइनस बी के बारे में पता नहीं लगाना है। तो भैया बी के बारे में पता लगाने के लिए क्या करेंगे बताओ? माइनस वन से गुना करेंगे, और जैसे ही नेगेटिव संख्या से दोनों तरफ गुना करेंगे ये हो जाएगा बी, और इधर साइन पलट जाएगा। तो बताओ बी कैसा हो गया? जीरो से बड़ा। तो ए जीरो से बड़ा, बी जीरो से बड़ा और सी भी जीरो से बड़ा, तीनों आपस में जीरो से क्या हो गए? बड़ा। अब देखो एक बड़ा रिमार्केबल तुमको बात बताते हैं, बहुत शानदार बात बताते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन को देखो, प्रीवियस क्वेश्चन याद करो, उसमें ए जीरो से बड़ा था और सी जीरो से छोटा था, और उसी क्वेश्चन में अल्फा माने अल्फा नेगेटिव था और बीटा पॉजिटिव था, ठीक। ये प्रीवियस क्वेश्चन का, ये एक नंबर क्वेश्चन का सीन है। दो नंबर क्वेश्चन में आओ, दो नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? यहां ए जीरो से बड़ा है और सी भी जीरो से बड़ा है, यहां अल्फा नेगेटिव है और बीटा भी नेगेटिव है। मतलब अगर अल्फा बीटा का साइन सेम है, अल्फा बीटा का साइन सेम है, माने अल्फा बीटा या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो, तो उस केस में ए और सी का भी साइन सेम होगा। समझना मेरी बात को, बहुत बहुत रिमार्केबल चीज तुमको बता रहे हैं। अगर अल्फा बीटा का साइन सेम है तो ए और सी का भी साइन सेम होगा। मेरे कहने का मतलब समझो, अगर अल्फा भी नेगेटिव, बीटा भी नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव हैं, तो ए अगर पॉजिटिव है तो सी भी पॉजिटिव होगा, ए अगर निगेटिव है तो सी भी निगेटिव होगा। समझना कैसे? यहां देखो मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। ये तुमको एक्स फैक्टर हो गया मेरे भाई, ये जो बता रहा हूं ये एक्स फैक्टर का कॉपी मतलब टर्म है जो तुम लोग को सिखा रहे हैं। क्या बता रहे हैं बताओ? देखो जैसे अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, समझना। अब अगर अल्फा और बीटा का साइन सेम तो ये दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। अगर अल्फा बीटा का साइन सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव है तब भी पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव तब भी पॉजिटिव, तो ये अल्फा बीटा का अगर साइन सेम है, इफ अल्फा एंड बीटा बोथ हैव सेम साइन, देन ए एंड सी ऑल्सो हैव सेम साइन। मतलब अगर अल्फा पॉजिटिव है और बीटा भी पॉजिटिव है, अल्फा का भी साइन पॉजिटिव, बीटा का भी साइन पॉजिटिव, दोनों का साइन सेम है, तो ए और सी का भी साइन सेम होगा।
क्या होगा हम ये नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे हैं अगर पॉजिटिव होगा ए का तो सी का भी पॉजिटिव होगा, और अगर ए का नेगेटिव है तो सी का भी नेगेटिव होगा, यानी जो साइन ए का होगा वही साइन सी का होगा। कब? जब अल्फा और बीटा का भी सेम साइन हो। अगर अल्फा का साइन पॉजिटिव है, बीटा का भी साइन पॉजिटिव है, तो दोनों का साइन एक जैसा सेम साइन आ गया, तो ए और सी का भी साइन सेम होगा। कौन सा साइन होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, वही नहीं बोल रहे हैं, बस सेम साइन होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। जैसे यहां देखो अल्फा बीटा दोनों नेगेटिव थे, तो ए का साइन पॉजिटिव मिला तो सी का भी देखो अपने आप साइन पॉजिटिव मिल गया। एगो पॉजिटिव था एगो नेगेटिव था पिछला क्वेश्चन में, तो दोनों के एगो पॉजिटिव एगो नेगेटिव, तो ए पॉजिटिव में था तो सी अपने आप नेगेटिव मिल गया था। समझ रहे हो बात को? यानी अगर तुमसे हम क्वेश्चन इस टाइप का ग्राफ दे दे, कहें कि भैया ये देखो ये ग्राफ में ए और सी बताओ, तो ए तो पहले ही पता चल गया टुक, अल्फा बीटा का साइन अलग अलग है, इसका मतलब सी नेगेटिव हो जाएगा, तो ए और सी तो ऐसा ही पता चल गया सर, सोचने का जरूरत नहीं है, तुरंत पता चल गया कि नहीं पता चल गया। उसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, अगर मान लो हम ऐसे दे दें, ये वाला ग्राफ दे दें, तो तुम पट से बोलोगे ए पॉजिटिव सर, अच्छा सर ये और ये अल्फा और बीटा सेम साइन के हैं, अल्फा भी पॉजिटिव बीटा भी पॉजिटिव, ओ माने ए पॉजिटिव तो सी भी पॉजिटिव, यानी अगर अल्फा बीटा का साइन सेम है तो ए और सी का भी साइन सेम होगा, एक जैसा होगा। क्या होगा वो तो क्वेश्चन बताएगा, ठीक है? तो यहां से हमने ए भी पता लगा लिया, बी भी और सी भी। इस क्वेश्चन को भी बहुत बढ़िया से उतारो, इस एक्स फैक्टर को अच्छे से समझ लो, काम आएगा, आपकी स्पीड बढ़ा देगी, है ना? चलो उतारो फटाक से। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं मजेदार चीज। तो यहां तक का कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आया और तुमने बना लिया, यानी अगर ए जीरो से बड़ा है और उसमें कितने भी प्रकार के क्वेश्चन आए आप बना सकते हैं। मैं एक बार छोटा सा रिवीजन कराता हूं, अगर ए जीरो से बड़ा है और डिस्क्रिमिनेंट भी जीरो से बड़ा है, तो हमारा ग्राफ या तो ऐसे बन सकता है, या तो हमारा ग्राफ ऐसे बन सकता है, या तो हमारा ग्राफ ऐसे बन सकता है, ठीक है? ये पहला केस था। अब अगर मेरा ए जीरो से बड़ा है और डी जीरो के बराबर है, तो उस कंडीशन में मेरा ग्राफ या तो ऐसे छू के जाएगा ऊपर ऊपर, है ना, या तो ये जीरो पे ऐसे छू के जाएगा, है ना, नहीं तो मेरा ग्राफ इधर इधर वाले एक्सिस पे से छूके चला जाएगा, ठीक है? ये कहानी हम लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट, अगर हम बोले तुमको कि अगर मेरा ए जीरो से बड़ा है और डिस्क्रिमिनेंट जीरो से छोटा है, तो इसमें हमने जो तीन ग्राफ बनाया है वो क्या क्या ग्राफ बनाया था मैंने, कि ऊपर ऊपर चला जाएगा, इधर नहीं, इधर नहीं जाएगा तो मान लो ऊपर ऊपर इधर चला जाएगा, और इधर नहीं जाएगा तो मान लो ऐसे चला जाएगा, ये तीन ग्राफ बनते हैं, तो हर में तीन तीन ग्राफ बनते हैं। लेकिन इन सब केस में ए जीरो से बड़ा था तब हमने देखा था, लेकिन सर अगर मान लो ए जीरो से छोटा आ जाए तब क्या करोगे, यानी इसको इरेज किया जाए जरा, है ना? आइए मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम कहते हैं कि मेरा ए जीरो से छोटा हो जाए और डी जीरो से बड़ा हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझो सिर्फ एक ही चीज का फर्क पड़ेगा, जो ग्राफ ऐसे था वो ग्राफ ऐसे हो जाएगा, बस मुंह पलट जाएगा, वो ऊपर की तरफ खुला था और ये किधर की तरफ खुल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, नीचे की तरफ खुल जाएगा, या तो ऐसा बनेगा, या तो वैसा, नहीं तो ऐसा, यही तीन टाइप के ग्राफ इसमें बन सकते हैं। और आप समझ गए होंगे क्यों, मैंने सब बता चखा है, बस खाली मुंह नीचे कर देना है। अगर ए जीरो से छोटा है और डी जीरो के बराबर है, तो इस सिचुएशन में हमारा ग्राफ कैसा बन जाता है बताओ, या तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, है ना, नहीं तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, है ना, और नहीं तो ये ग्राफ इधर से जाता हुआ बनेगा, छूता हुआ जाएगा, ठीक है? तो ये दो चीजें हैं जिसको उतारो, फिर तीसरा वाला भी बता दें, जल्दी से उतारो, इसमें समझने में उतना समय नहीं लगाना है, आराम से उतर जाएगा ये चीज।
चलिए मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट देख लेते हैं तीसरा वाला। अगर ए जीरो से छोटा है और डिस्क्रिमिनेंट भी जीरो से छोटा आ गया, दोनों छोटा आ गया, तो कुछ नहीं, बिना छुए चला जाएगा। या तो ग्राफ ऐसा बनेगा बिना छुए, एक्स एक्सिस को नहीं छुएगा, या तो ग्राफ ऐसा बनेगा और नहीं तो ग्राफ ऐसा बनेगा। यही तीन ग्राफ पॉसिबिलिटीज है बनने की, अगर एक्स एक्सिस को ना छुएगा तो। ठीक है, इसको भी उतार लो फटाक से, जल्दी से उतार लो। चलो अब आइए, अब फिर क्वेश्चन पे आते हैं, तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमने कर लिया था, तीसरा क्वेश्चन वही काम करना है, एबीसी के बारे में पता लगाना है, और एकदम गौर गौर से पता लगाइए, एकदम अच्छे से पता लगाइए, सीख के जाना है कैसे पता लगाना है एबीसी, है ना। चलो आ जाओ, जैसे मान लो मैंने ग्राफ तुमको ये दे दिया, ये ग्राफ मैंने आपको दे दिया, ठीक है। अब बताओ इसमें एबीसी कैसा। सर हम बताएंगे, सर सबसे सिंपल, सर ए हम बता देंगे, बाकी सब आप बता दो। सर मुंह नीचे खुला है, चप्पू है, यानी ए नेगेटिव होगा, होगा ना। एक और बात बताएं सर, वो भी आप बताओ, एक्स फैक्टर में। सर ये जो रूट है, ये है अल्फा, ये है बीटा, तो अल्फा और बीटा का अपोजिट साइन है, माने अल्फा नेगेटिव है तो बीटा पॉजिटिव है। इसका मतलब कि अगर ए नेगेटिव हुआ तो सी का इसका अपोजिट साइन होगा, यानी सी पॉजिटिव होगा सर। जी हाँ, एकदम सही। क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा का अपोजिट साइन है, तो ए और सी का भी अपोजिट ही साइन होगा, सेम साइन नहीं होने वाला। तो अब निकालना किसको रह गया, बी को। तो सर यहां बी का कोऑर्डिनेट बताइए, वही जो उसमें था, माइनस बी बाई टू ए। यहां ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी एक्स मेरा जीरो से बड़ा होगा, यानी माइनस बी बाई टू ए जीरो से बड़ा होगा, यानी देखो माइनस बी को रहने दो, टू को। अच्छा ए कैसा, नेगेटिव, तो नेगेटिव ई जीरो से बड़ा। अब बताओ ई नेगेटिव, ई नेगेटिव कॉट के बी बटा दो, जीरो से बड़ा, ये दो को उधर ले गए तो बी जीरो से बड़ा, अपने आप बी कैसा आ गया, जीरो से बड़ा। यानी यहाँ ए नेगेटिव, सी पॉजिटिव और बी भी पॉजिटिव, निकल गया आंसर पटाक से, बना सकते हो मेरे प्यारे भाई। अब लग रहा होगा हाँ सर, हाँ सर, ए बी सी पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसको तुम पता लगा के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो मेरे को, ठीक। हम देखना चाहते हैं कितने लोगों ने मेहनत किया, ठीक है, प्लीज डू इट फास्ट। चलिए मेरे बच्चों, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। थर्ड के बाद ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है, कोई नहीं आपको हेल्प करने वाला, आप ही को आंसर बताना है। टक 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 ट्यों। चलो बताओ इसमें ए कैसा, बी कैसा और सी कैसा, ये तीनों आपको इसमें बता देना। चलिए फटाक से कमेंट करिए मेरे को। चलिए जिन बच्चे ने बता दिया, कमेंट कर दिया, मैं देख लूंगा कमेंट उनका। अगर आपने खुद से बनाया है बच्चों, वेल डन, बहुत अच्छी बात, एकदम सिंपल। सर देखे के पता चल जा रहा है कि ए जीरो से बड़ा, अच्छा दोनों रूटवा एक के जगह ना जी, तो साइन तो सेम होगा, तो सी भी जीरो से बड़ा, कुछ नहीं सोचना है। एक और मजेदार बात बताएं, एक्स बराबर का होता है माइनस बी बाई टू ए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये जीरो से बड़ा होगा, तो माइनस बी बाई टू ए तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव किससे बड़ा, जीरो से। पॉजिटिव संख्या को गुना करेंगे, साइन नहीं बदलेगा, लेकिन जैसे ही माइनस हटाएंगे पट से साइन बदल जाएगा, यानी ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव और सी का वैल्यू जीरो से बड़ा। कितना आसानी से, तेजी में पता लगा लिए। बाकी लोगों को दो मार सोचे हुए हैं, बुद्धि लगाए हुए हैं, धीरे धीरे स्पीड आएगा, धीरे धीरे स्पीड आएगा, है ना। पांच नंबर, पांचवा नंबर क्वेश्चन मेरे को बना के दिखाओ मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं जरा आप बना पाते हैं कि नहीं। टक 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 टकाक, और ये ला 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 भाई भैया खट्टे सही सा बन गया। अब बताओ मेरे को आंसर। अब तो तुमको नहीं पता चल पाएगा कि अल्फा पॉजिटिव है कि निगेटिव, क्योंकि रियल तो होगा नहीं। अब क्या बुद्धि लगाओगे जरा बताओ। एकदम आसान सर, एकदम आसान, देखो ध्यान से। सर जी ए कैसा, जीरो से बड़ा,
ये तो फिक्स है, ठीक है। हम कहे हाँ एकदम ठीक है, अब तुम अल्फा इंटू बीटा बता सकते हो क्या? यहाँ पते नहीं है कि अल्फा क्या है बीटा क्या है, इमेजिनरी रूट है ना भाई। यहाँ तो जो रूट आया वो तो इमेजिनरी रूट आया, इसमें कहीं कोई किसी को कोई परेशानी है क्या इमेजिनरी रूट में? हमको नहीं लगता कि किसी को परेशानी होना चाहिए बिकॉज ये इमेजिनरी रूट है। अब समझना मेरी बात को, समझो ध्यान से यहाँ पे। अब देखो एक चीज, अगर हम यहाँ के बारे में बोलें, इस जगह के बारे में, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? माइनस बी बाई टू है, वो तो होना होना है। अब बताओ x यहाँ कैसा है? पॉजिटिव, नहीं तो माइनस बी बाई टू ए जीरो से बड़ा हो गया। a आपका पॉजिटिव है तो माइनस बी जीरो से बड़ा, और जब उधर गया तो b की वैल्यू जीरो से छोटा। तो दो चीजें समझ में आ गई कि b आपका कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। अब एक चीज यहां हमको पता है कि इसके रूट्स रियल क्यों नहीं है, बिकॉज यहां डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। यहां से अब देखो डिस्क्रिमिनेंट का काम आ गया, तो बताओ क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से बड़ा। आपको पता है कि b का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव का ही स्क्वायर होगा, माइनस फोर ए के जगह आपका पहले से पता है कि पॉजिटिव है, तो यहां क्या लगा दोगे? पॉजिटिव। और सी का पता नहीं, ऐसे ही रहने दो। अब तुम खुद सोचो कि फोर इंटू पॉजिटिव, जैसे ये तो किसी पॉजिटिव का स्क्वायर है, फोर इंटू पॉजिटिव कोई ना कोई पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव इंटू सी लेस देन जीरो चाहिए। अब तुम खुद सोचो मेरे भाई, खुद सोचो कि पॉजिटिव, ध्यान से देखना, पॉजिटिव में से अगर मेरा C पॉजिटिव होता, मान लेते हैं कि C पॉजिटिव होता, तो पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव, पॉजिटिव में से पॉजिटिव को घटा के नेगेटिव पाया जा सकता है। समझना समझना, अब यहां पे C तो पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, दोनों हो सकता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। तो अगर C पॉजिटिव है, समझो केस ले लो, यहां केस ले लो, केस वन कि मेरा C पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का स्क्वायर में से पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव के स्क्वायर में से पॉजिटिव घटाएंगे तो हो सकता है कि नेगेटिव आ जाए। जैसे दो में से सात को घटाया जा रहा है, दो भी पॉजिटिव सात भी पॉजिटिव, लेकिन आंसर नेगेटिव आएगा। तो अगर सी को पॉजिटिव लेते हैं तो एक चांस है कि पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए। लेकिन अगर हमने सी को नेगेटिव ले लिया तो सी का नेगेटिव वाला साइन और ये जो नेगेटिव है, ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे। अब पॉजिटिव में किसी पॉजिटिव को जोड़ोगे तो कभी भी नेगेटिव आएगा। समझो मैं क्या बोल रहा हूं, आपके पास पहले से पॉजिटिव का स्क्वायर है, माइनस पहले से पॉजिटिव है और सी है, और आपको नेगेटिव चाहिए। तो ये सी अगर आप पॉजिटिव नहीं नेगेटिव मान लो, अगर सी को आपने नेगेटिव मान लिया, समझो मेरी बात को, सी को नेगेटिव मान लिया, ये बताओ ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके क्या हो जाएंगे बताओ? पॉजिटिव हो जाएंगे। अब पॉजिटिव में पॉजिटिव को जोड़ोगे तो कभी भी नेगेटिव आएगा? नहीं आएगा। समझ रहे हो ना बात को? तो इसी वजह से यहां पे सी का क्या होगा कंडीशन? जीरो से बड़ा। तो इस कंडीशन में सी क्या हो जाएगा? जीरो से बड़ा। तो जैसे ही आपका रूट्स जो होता है, देखो सी जीरो से बड़ा आ गया, जैसे ही आपका रूट्स डी लेस देन जीरो आ जाए, पट से ऊपर भाग जाओ। समझ गए? ये कॉन्सेप्ट काम करेगा आपका, ठीक है। इसको उतारो, एक और क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है, चलो फटाक से उतारो जल्दी से। पांचवा था ये, आइए छठे नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं, सिक्स नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, बड़े ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन है आपका ऐसा, टक 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 टक, ये वाला क्वेश्चन है, चलो सिंपल। अब मेरे को बताओ कि इसमें ए कैसा, बी कैसा, सी कैसा? सर ए जीरो से, सॉरी ए नेगेटिव, ठीक है। सर यहाँ पे जो x आएगा वो होगा माइनस बी बाई टू ए, और वो सिंस फोर्थ क्वाड्रेंट में है इसीलिए जीरो से बड़ा होगा। माइनस बी ठीक है, टू भी ठीक है, a नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव लिख दिए, ये जीरो से बड़ा हो। अब ये नेगेटिव कट गया मेरे भाई, b बाई टू जो है वो जीरो से बड़ा आ गया, आ गया ना। तो आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे, आपको b कैसा दिख गया? 0 से बड़ा दिख जाएगा। b कैसा दिख जाएगा बताओ? 0 से बड़ा। तो a नेगेटिव और b पॉजिटिव। अब बात करते हैं c का, है ना, c पे आते हैं।
डी यहाँ लेस देन जीरो होगा, यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो होगा। ठीक, बी स्क्वायर एक पॉजिटिव संख्या, माइनस फोर ए नेगेटिव है, देखो ए कैसा है नेगेटिव, देखो ध्यान से ए कैसा है नेगेटिव है मेरे भाई, अगर ए नेगेटिव है तो यहां नेगेटिव डाल दो और सी को छोड़ दो, ये लेस देन जीरो। अब ये नेगेटिव और ये मिलके कैसा हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव मिलके ये इसके साथ पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव प्लस फोर ये प्लस कर देगा उसको सी जीरो से कम। अब कुछ सोचो कि अगर सी पॉजिटिव होता तो ये भी पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलके नेगेटिव देगा, कभी नहीं देगा, तो सी भी कैसा हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, सी नेगेटिव हो जाएगा। तो अब तुमको हम एगो काम का बात बताते हैं, अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट जीरो से छोटा है तो ये तभी पॉसिबल है जब ए एंड सी हैव सेम साइन, ये तभी पॉसिबल है जब ए और सी का साइन कैसा हो सेम हो। एकदम ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा एक्स फैक्टर का तुमको हम बात बता दिए, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव तो ए और सी का साइन हमेशा सेम होगा, ए और सी का साइन हमेशा सेम होगा, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव तो ए और सी की साइन ऑलवेज सेम होगी, कभी भी अलग हो ही नहीं सकती है, इस बात को अपने दिमाग में रख लो, याद रहेगा ये बात, अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो छोटा देन ए एंड सी हैव ऑलवेज सेम साइन, यानी अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो छोटा है तो ए पॉजिटिव तो सी भी पॉजिटिव, ए नेगेटिव तो सी भी नेगेटिव, प्रूफ देख लो भैया मेरे, समझ में आया बात, कोई दिक्कत है इसमें नहीं उतार लो, ये सेकंड एक्स फैक्टर है आपकी, जल्दी से उतारिए एक्स फैक्टर की बातों को। चलो बच्चों, तो आज तुम लोगों ने ग्राफिकल कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया, यानी बोर्ड के लेवल पे जो थ्योरी देनी थी, सॉरी बोर्ड के लेवल पे बच्चों जो थ्योरी देनी थी मैंने वो थ्योरी आपको दे दी, बहुत अच्छे तरीके से दे दी। अब आपका काम सिर्फ इतना है कि आप हमको अपना होमवर्क दिखा दो, क्या करना है बताता हूं मैं तुम लोग, कि भाई आपके आर एस अग्रवाल, अभी सब जगह स्टेशनरी का दुकान खुल गया है, ठीक है, तो कोई फालतू का दिमाग मत लगाओ, चुपचाप से आर एस अग्रवाल के दुकान पे जाइए, आर एस अग्रवाल का शॉप जब खुल जाता है आपका, है ना, तो आर एस अग्रवाल के काउंटर पे जाइए, आर एस अग्रवाल का बुक लीजिए और उसका चैप्टर टू जो कौन सा चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों, पॉलीनोमियल, है ना, और उसके साथ साथ चैप्टर जो आपका क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस दोनों चैप्टर का हमको एक एक क्वेश्चन चाहिए, मेरे पास भी आर एस अग्रवाल बुक है बच्चों, मैं सही बता रहा हूँ, मैं एक एक क्वेश्चन मिलाऊंगा। अब आपको इतने मेहनत से मैंने 15-16 लेक्चर देके पढ़ाया है, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट पढ़ाया, हर एक चीज पढ़ाया, हर डाउट देने को तैयार हूँ, अब आपको क्या करना है, इस दोनों चैप्टर का होमवर्क बनाना है और होमवर्क का हमको फोटो क्लिक करके भेजना है, फोटो क्लिक करो और फोटो क्लिक करके उस होमवर्क का मेरे को भेजो, सब बच्चे जो जो बच्चे देख रहे हैं, रेगुलर देख रहे हैं, वो सब के सब ये दोनों पॉलीनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों के होमवर्क का फोटो क्लिक करके मेरे को भेजेंगे, और ये आपका असाइनमेंट है, आपका होमवर्क है, और ये कब भेजना है आपको, आज 4 तारीख है, आई होप आज 4 तारीख है ना, मोस्ट प्रोबेबली यस, आज 4 तारीख है, तो 5 तारीख नहीं भेजना है आपको, कल नहीं भेजना है आपको, भेजना है ये 6 मई को, कब भेजना है 6 ऑफ मे। हाँ ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं बनाने हैं, बिकॉज वर्ड प्रॉब्लम्स अभी मैंने कराया नहीं है, तो मैं वर्ड प्रॉब्लम आपको कराऊंगा, तो क्वाड्रेटिक का वर्ड प्रॉब्लम आपको मैंने नहीं कराया है, तो वो मैं कराऊंगा, ठीक, और कल से हम लोग अपना एक्स फैक्टर शुरू करेंगे, कल से जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा वो आपके जेई मेन्स और आपके एडवांस के बेस को तैयार, आज तक भी मैंने वो सब चीज बताई है, लेकिन कल जो बताऊंगा वो पट पट आपका हेडशॉट देगा, समझ रहे हो, हेडशॉट देगा मतलब क्वेश्चन आएगा टक कैसे निकाल देगा, ऐसा ऐसा चीज बताएंगे मजा आ जाएगा, समझ रहे हो बात को, तो आपका काम है 6 मई का फोटो, 6 मई यानी परसों फोटो क्लिक करके भेजना और वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं बताना, और कल की क्लास हमारे एक्स फैक्टर की क्लास होगी, बहुत आपको मजा आएगा, एंजॉय करो, आज की क्लास के लिए बस इतना ही, होमवर्क बनाइए, होमवर्क बना के मेरे को सारे का होमवर्क भेजिए, ओके, तब तक के लिए थैंक यू, देखते हैं फिर कल, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।